जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने 15 सितंबर के दिन वंदे भारत की लॉन्चिंग के लिए कहां कहां पर रैक भेज दिए हैं और अचानक भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर एकाएक वंदे भारत के नए चमचमाते रैक भेज दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां कहां पर कितने रैक भारतीय रेलवे ने भेजे और इस वंदे भारत का ट्रायल रन भारतीय रेलवे कब लेने वाली है और इसकी लॉन्चिंग आपको कब देखने को मिलने वाली है एक फर्म न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। और साथ में वाराणसी को भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी सौगात दी है और वाराणसी से आपको कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, उसके लिए रैक भी मिल चुके हैं। तो वाराणसी से किस किस रूट पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा नगर रेलवे स्टेशन से दो ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। टाटा से पटना और टाटा से ब्रह्मपुरा के लिए वंदे भारत ट्रेन को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही देवघर से वाराणसी, बाबा धाम से विश्वनाथ धाम के लिए एक वंदे भारत ट्रेन शुरुआत करेंगे। दुमका रांची के भी वंदे भारत को वे हरी झंडी दिखाएंगे। इन चारों वंदे भारत ट्रेनों को चालू करने को लेकर तैयारियां चल रही है। इसी बीच इसके ट्रायल के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत के दो जोड़ी ट्रेन पहुंच चुकी है। इन सारी ट्रेनों की वार्षिक भी यहां पर होगी। इसके अलावा सभी की टाइमिंग को लेकर लगभग रणनीति तय कर ली गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्टेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेशन पर लोगों के आने जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आना है, इसको लेकर खास तौर पर तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर रेलवे और जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार बैठकें कर रही है। डीसी अनन्य मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल की ओर से इसको लेकर तैयारियां की जायजा ली जा रही है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि टाटा से पटना और टाटा ब्रह्मपुरा के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से बिहार और उड़ीसा जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने वाली। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे वंदे भारत के नए रैक लगातार भेज रही है क्योंकि पटना टाटा वंदे भारत और टाटा से ब्रह्मपुरा के लिए भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। और साथ में आपको दुमका और रांची के बीच भी वंदे भारत को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। साथ में वाराणसी से भी कई रूटों पर वर्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत को इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी से आपको किन किन रूटों पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। पहला रूट हो जाता है वाराणसी से देवघर के बीच। इस रूट पर भी आपको कन्फर्म वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और साथ में वाराणसी से आगरा के बीच आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। इस रूट पर भी कन्फर्म हो चुका है कि वंदे भारत की लॉन्चिंग होने वाली है और पहले ही से रूट कन्फर्म हो चुका है कि वाराणसी से हावड़ा के बीच भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो आपको वाराणसी से कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में यहां पर रैक भी भारतीय रेलवे ने भेज दी है और इस रैक का ट्रायल भारतीय रेलवे लेने वाली है। कुछ का इनॉग्रेशन के बाद भी, लॉन्चिंग के बाद भी भारतीय रेलवे ट्रायल करने वाली है, इसलिए कि कुछ रूट ऐसे होने वाले हैं जिस पर वंदे भारत का संचालन अभी तक नहीं हुआ है। जिस रूट पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे पहली बार करती है उस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का ट्रायल कुछ ज्यादा लेती है, लेकिन जिस रूट पर पहले से वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करती रहती है वंदे भारत का ट्रायल भारतीय रेलवे कुछ ज्यादा नहीं लेती है। तो 15 सितंबर के दिन आपको एक दो नहीं बल्कि वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको 6 रूटों पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको वाराणसी को 3 वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। जो मैंने आपको रूट बताया है कि इन तीनों रूटों पर आपको वाराणसी से वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और साथ में आपको टाटा पटना और टाटा ब्रह्मपुरा के बीच भी और रांची दुमका के बीच आपको इन तीन रूटों पर इधर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में आपको वाराणसी से 3 रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे ने रातों रात यहाँ पर कई जोड़ी रैक भी भेज दिए हैं
जहां पर इसका वॉशिंग का काम चल रहा है। और कन्फर्म इन 6 रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग 15 सितंबर के दिन देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने वाराणसी से इन 3 रूटों पर वंदे भारत के संचालन की तैयारी की है, ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन 6 वंदे भारत की लॉन्चिंग जो भारतीय रेलवे करने वाली है, इस पर कोई और बड़ा अपडेट निकल कर सामने आता है टाइम टेबल संबंधी, तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।